शो दैट रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह से होते हैं, आपने देखा होगा बुकों में, इस तरह का क्वेश्चन भी होगा कि रूट 13 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना, फिर ये रूट 3 है, ये कैसा बनता है, इस तरह की पोजिशन। तो इस तरह के सवाल करने की जो बेसिक ट्रिक है, पहले उसको समझने के लिए आपको ये सब याद होना चाहिए कि सारे ही रूट वाले नंबर की वैल्यू, ओके, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 सबकी वैल्यू पता होना चाहिए। ये रूट 1 की वैल्यू जैसे 1 होती है, रूट 2 की 1.414 होती है, रूट 3 की 1.732, रूट 4 की 2। अब देखिए इसी तरह रूट 5, 6, 7 सबकी पॉइंट में, लेकिन रूट 9 की 3, क्योंकि रूट 9 और रूट 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह रूट 16 होगा, उसकी वैल्यू 4 होगी, रूट 25 की 5 होगी, है ना। तो ये रूट में वैल्यू ये स्क्वायर होते हैं, है ना, ये अलग चीज़ है। तो हमें स्क्वायर की हेल्प नहीं लेना है यहाँ पे, बस रूट की हेल्प लेना है। इससे आपको ये आइडिया होगा कि वो जो आपको जो प्लॉट करना है, जैसे रूट 5 को प्लॉट करना है कि नंबर लाइन में कहाँ पे होगा, तो आप देख सकते हैं रूट 5 की वैल्यू क्या है, 2.236, क्या है, 2.236, यानी कि 2 से बड़ी है। देखिए रूट 4 की वैल्यू 2 थी, रूट 5 की 2.236 है, और रूट 9 की 3 है, यानी कि किसके किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, रूट बीच में कहीं पर रूट 5 की वैल्यू आ रही है, 2 और 3 के बीच में रूट 5 की कहीं पर वैल्यू आ रही है। तो इसका डायग्राम जब आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा यूं करके, और लेकिन अभी बना के दिखा दे रहे हैं आपको सामने। इसके लिए पहले आप नंबर लाइन खींचेंगे ना, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे भाई, आपको रूट 5 की वैल्यू पता चल गई है कि जो कि है 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो आपने ये स्केल लिया, स्केल में पहले आपने ड्रॉ किया नंबर लाइन, कहाँ से, आप ज़ीरो से ड्रॉ करिए, ये ज़ीरो है, ज़ीरो से लेकर कितनी भी ड्रॉ कर लिया आगे तक के, लेकिन नंबरिंग सही से करिए। ये 1 है, ये 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है, ये क्या है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको पता है कि भाई रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, रूट 5 की वैल्यू है 2.3236, यानी 2 से बड़ी और 3 से छोटी है, यानी कि 2 से बड़ी है, 3 से छोटी है, और 2 और 3 के बीच में ये होता है 2.5, और इस 2.5 से छोटा ही है नंबर 236, 2.236 जो है ये 236 ना पड़ेगा, 236 नहीं, 236, यानी कि 2.5 से बहुत छोटा है ये, ठीक है, क्लियर है, 2.5 ये है। अब ये इसके बीच में कहीं पे आएगा, ओके, यहाँ पे कहीं पे आएगी वैल्यू 236 की, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो लाइट भी चली गई ऐसी, तो इस ये आपने यहाँ तक खींच लिया, आपको एक आइडिया भी होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2.236 है ना, यानी इसका आंसर पॉइंट में यहाँ कहीं पे आएगा। आपको करना कैसे, इसको देखिए, आपको क्या करना है, जैसे ये 2 है, 2 के ऊपर एक सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है, या थोड़ी बड़ी ही लाइन खींच ली है, चलिए बड़ी लाइन खींच ली, लेकिन कट कहाँ पे करेंगे, एक सेंटीमीटर की दूरी पे। अब आप स्केल से एक सेंटीमीटर कंपास में नापिए, नापा आपने, ओके, ये देखिए नाप लिया, एक सेंटीमीटर है ना, अरे दिख रहा है, चमक रहा है, ये एक सेंटीमीटर नाप लिया। अब आप 2 पे रखिए, 2 पे रखा, ये जो लाइन आपने स्ट्रेट खींची है इसको कट करिए, ओके, कट करिए, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 0 कहाँ है, 0 ये है ना, कंपास की पिन कहाँ पर रखेंगे, 0 पे फिक्स कर दी, एकदम 0 पे रख दी, हिलना डुलना नहीं चाहिए। अब आपको ये पेंसिल की नोक कहाँ पर ले जानी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट जहाँ पर कट किया है ना। अब यहाँ से हल्का सा भी टेढ़ा, हल्का सा हिलना डुलना नहीं चाहिए, हाँ ये ठीक। अब इससे एक बार यूँ कट मारेंगे, यू ठीक, ये जहाँ पे कट करेगा ये वो पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे रूट 5, ये रूट 5 आपका नंबर लाइन ये होगी, इस पॉइंट पे होगी, और ये रूट 5 की वैल्यू हमने बताई 2.23, क्लियर है। पॉइंट में तो आप लिख नहीं सकते, उसको बनाना ऐसे ही पड़ेगा, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कोई डाउट। अब आप रूट 3 का बनाएंगे, जब रूट 3 का बनाए होंगे तो रूट 3 की वैल्यू देखिए क्या है, रूट 3 की वैल्यू 1.732, क्या है, 1.732, यानी 2 से छोटी है, 1 से बड़ी, 2 से छोटी, यानी कि वो किसके बीच में आएगी, 1 से बड़ी और 2 से, यहाँ कहीं पे आएगी ना, 1.7.5 हो गया, 1.732 जो है ये 1.5 से बड़ा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आएगी। जब आप 1 पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे या 1 सेंटीमीटर ऊपर यूँ कट करेंगे 1 के ऊपर यूँ करके, है ना, फिर आप जब यहाँ पे 0 पर रखेंगे, 0 पर रखे इतना
खींचेंगे कि इस लाइन से कट करें और यूं कर देंगे, तो जहां पे आपका कट करेगा 1.5 से थोड़ा सा आगे लिटिल था, ये आपकी वैल्यू रूट थ्री की होगी। क्लियर है? इसी तरह अगर आपसे आपको निकालनी होगी रूट सेवन की, तो भी टू थ्री के बीच में होगी, ठीक है, टू थ्री के, और रूट नाइन की जो थ्री हो ही गई, रूट टेन की 3.16 आई थिंक होती है ना, तो वो उस नंबर से आगे होगी। बस ये पॉइंट की वैल्यू याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से जीरो से बनाना है एक तो, और आंसर कहाँ पे आएगा, मार्क कहाँ पे होगा, 2.3 यानी 2 और 3 के बीच में बन रहा है ना। क्लियर होगी बात? इसको बार बार वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा।